सुन्नत की कौन सी कुछ सुन्नतें जो है जो आजकल हमारे मौलवी ने बनाई हुई, जिसका सही सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं। भाई सुन्नत तो वो है, नबी अलैहिस्सलाम का अपना तरीका, आपका कौल यानी आपकी बातें, आपका फ़िल जो आपने किया है, और आपकी तकरीर। तकरीर का मतलब है आपने किसी को कुछ करते हुए देखा, हाँ कि ठीक है तो मना नहीं, ये भी सुन्नत। कौल रसूल वो फ़िल हो वो तकरीर हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, आपके इरशादात, आपका अमल और आपकी तकरीर, ये चीज़ें सुन्नत हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसा खैर नहीं छोड़ा जिसमें उम्मत का दुनियावी या अखरवी फायदा था, अगरचे वो ज़र्रा बराबर हो। आपने बताया है, छोड़ा नहीं। आज हम कोई उठकर कहे कि इसमें भी सवाब था, इसमें भी सवाब था, ये भी करना था, वो भी करना था। भाई अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अलइस्लाम दीना, आज दीन मुकम्मल हो गया, अल्लाह की नेमतें मुकम्मल हो गई, और मैंने इस्लाम को बतौर दीन तुम्हारे लिए पसंद फरमाया। आज के बाद सवाब और गुनाह के तौर पर कोई नई चीज दुनिया में नहीं आई। ठीक है, नई इजादात थे उस जमाने में, लौट फिक्र नहीं था, अब आ गया, बिजली नहीं थी अब आ गई, जहाज और रेल नहीं थे आ गए, तो इसको कोई दीन नहीं समझता। जहाज में सफर करने को कोई सवाब समझता है, दीन समझता है नहीं। एक सहूलत अल्लाह ने दी, अब उस पर हमने अमल करना, तो इसको कोई दीन नहीं समझता। أحب الوفاء بشدة الصور أحب الوفي